यदि आप बेहद कम खर्च में अपनी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो राखी मित्तल का टेरेस गार्डन देखिए। राखी मित्तल ने पानी की वेस्ट बोतलों में इतनी अच्छी सब्जियां उगा दी। राखी मित्तल की छत पर सारी सब्जियां जुगाड़ के ग्रो बैग्स में लगी हुई हैं। राखी मित्तल इन ग्रो बैग्स में क्या क्या डालती हैं और इतनी अच्छी सब्जियां कैसे उगाती हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको राखी मित्तल ही देंगी। लेकिन इससे पहले, यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, लोग कहते हैं बागवानी महंगा शौक है, मैं कहती हूँ कि बहुत सस्ता शौक है। बस आपको थोड़ा समय देना है और थोड़ा अपने आसपास से चीज़ों को जुगाड़ना है। ये मैंने कुछ बोतलें हैं जो कि पानी की बोतल टूट जाती हैं, तो पानी वालों से लेके इनको काट के गमले बना लिए हैं और सर्दियों में ये बहुत कामगार है सर्दी की सब्जियां उगाने में। जैसे इसमें अब कश्मीरी पालक डाला हुआ है, कटीला पालक भी कहते हैं इसे, और ये अब निकलने लगा है। ऐसे इसमें लहसुन है, लहसुन बोई है, लहसुन की कलियाँ होती हैं उसको ऐसे बो दिया जाता है और ये इसके अब किल्ले निकलने लगे हैं। ये देखिए, ये इसमें भी, ये देखिए इसमें किल्ले अब निकलने, जम गई है लहसुन। इसमें वेस्ट का, इसमें नीचे हमने सूखे पत्ते डाले हुए हैं, छेद करना ज़रूरी है पानी निकलने के लिए। छेद के बाद हमने थोड़ा इसमें कंकड़ बिछाए, उसके ऊपर सूखे पत्ते बिछा के फिर मिट्टी बिछा के मिट्टी का सॉइल का मिक्सचर बना के इसमें हमने बुआई कर दी है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप उगा सकते हैं। और सर्दी तो बहुत अच्छा सीज़न है, सर्दी में बहुत तरह की आप सब्जी उगा सकते हो घर पर ही। आसान सब्जियों में आता है पालक, मेथी, घर में जो किचन में मेथी दाना होता है उसको आप डाल दीजिए, रोस्टेड नहीं होना चाहिए, सादा दाना होता है उसको आप डाल दीजिए। पालक का डाल सकते हैं, धनिया होता है, धनिया बहुत आसान है किचन से ही निकाल के लगा सकते हैं। सरसों है, सरसों का दाना डालो तो आप फ्रेश सरसों भी लो और जब वो पक जाती है तो बहुत सुंदर फूल भी देती है, तो आपका गार्डन सुंदर भी लगेगा, सब्जी भी आपको मिल गई। तो इस तरह से आप कुछ सब्जियां तो बहुत आसान है। फिर आता है शलगम, शलगम बहुत आसानी से लग जाता है। और इस बैंगन आप लगा सकते हो, मिर्ची घर में लगा सकते हो, टमाटर उगा सकते हो। इस तरह से कई सलाद के बहुत तरह की वैरायटी है पत्तों की, वो आप आसानी से घर में उगा सकते हो। तो इस तरह से सब्जी आपकी फ्रेश अपने ही गार्डन से, बालकनी या टेरेस से आपको मिलती रहेगी। थोड़ा सा और आप मेहनत करोगे तो गोभी, पत्ता गोभी, ये सब सर्दी में होता है, गाजर, मूली, तो सब सर्दियां तो सब्जियों का भंडार है। और बहुत आसान होता है यदि आप ये सर्दी के मौसम का उपयोग करते हैं टेरेस पे गार्डनिंग करना। तो मैं तो ये कहूँगी हर छत पे हमारे शहर के एक टेरेस गार्डन होना चाहिए। तो ऊपर से देखें तो हमारा शहर पूरा हरा हरा नज़र है। ऐसा हमारा सबका सपना होना चाहिए कि हमारा शहर हरा हो और स्वस्थ हो। राखी मित्तल किचन गार्डनिंग के साथ ही लीज पर खेत लेकर भी सब्जियां उगाती हैं। इनके खेत में सर्दियों की लगभग सभी सब्जियां लगी हुई हैं और सबसे खास बात, ये अपने खेत में किसी भी तरह का रासायनिक खाद नहीं डालती। यहाँ पे हम हर तरह की मौसमी सब्जी लेते हैं और मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ये सब पद्धतियाँ हम यहाँ पर करते हैं। जैसे देखा आपने, फलों के साथ में हमने सब्जियां ले रहे हैं। और जैसे अभी सीज़न की सर्दी की सब्जियां हैं, अभी हरे पत्तेदार वाली सब्जियां बहुत आ रही हैं, जैसे मेथी है, पालक, सरसों, धनिया, लेट्यूस, सैलड लीव्स, कई तरह की होती हैं। तो ये सब हम पत्ते वाली सब्जियां, हरी प्याज, लहसुन, हरी लहसुन, अभी बैंगन, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, चुकंदर है, टर्निप, शलगम, ये सब हम यहाँ पे उगाते हैं। लौकी भी, अभी हमारे पास विंटर की लौकी भी आ रही है, कद्दू भी हो रहा है और आलू अभी लगा हुआ है, ये सब हम, सौंफ भी हमने लगाई हुई है। तो ये हल्दी है, हल्दी अब निकलने का समय हो रहा है, हल्दी अब निकलने को तैयार है, सेम लगाई हुई है, मिर्ची है, कई तरह की मिर्ची हम लगाते हैं। तो ये सब हम मौसमी सर्दी की ले रहे हैं। और साथ में हमने गेहूं लगा दिया है, गेहूं और चना ये साथ में हम लगाया हुआ है। जगह जगह सरसों भी हमने साथ में लगा दी है। तो सरसों हम हर क्रॉप के साथ में सरसों डाल देते हैं।
गाय का चारा उगा रहे हैं तो उसमें भी सरसों डाला हुआ है, चना है चने में भी सरसों है, मटर के साथ में भी सरसों डाल दिया है, तो इस तरह से हम मिक्स कर देते हैं। जैसे गेहूं बोया है तो एक लाइन हमने चने की डाल दी है, क्योंकि चना ज़मीन को मजबूत करता है, उसको नाइट्रोजन देता है। तो इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग करके हम यहाँ से फसल लेते हैं। बीज अभी हमारे पास अपने बीज हैं ज़्यादातर, जैसे गेहूं का, सरसों का और हल्दी का, काफ़ी बीज हमारे अपने बीज होते हैं। कुछ बीज जो हमको किसान से लेने पड़ते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन्हीं किसानों से हम जो सब्जियों के बीज हम लेते हैं, जैसे गोभी, शलगम, ये बीज हमने उन किसानों से लिए, और मेथी, पालक, सरसों, धनिया, ये अब हमारा ही बीज हो गया है हमारे पास। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इस पे जितना भी हो पूरा अपने ही बीज हों, देसी बीज हों, तो हमें बीज भी बीज पे भी भरोसा हो कि अच्छा बीज है। खाद में हमारी अपनी गायों की गौशाला है, देसी गाय रखी हुई है, उसमें लोकल ब्रीड है हमारे पास ज़्यादातर, और उसके गोबर और गौमूत्र से हम करते हैं। तो मैं जो हम खाद बनाते हैं उसमें जीवामृत देते हैं और गोबर की खाद भी हम डालते हैं समय समय पर, सरसों की खल की खाद डालते हैं इसमें और घन जीवामृत देते हैं, और जो कीटों के लिए गौमूत्र के साथ में औषधीय मिश्रण बना के इस पर छिड़काव किया जाता है। जैसे गौमूत्र में कभी नीम डाल के छिड़काव करते हैं, कभी अलग अलग तरह के जो आसपास से पत्ते मिल जाते हैं, अमरूद का या अलग अलग औषधीय पत्ते हैं, बेलपत्र है या लेंटाना है, इस तरह के हम बनाते हैं इसको गौमूत्र के साथ में, और फिर उनका छिड़काव करते हैं। और खट्टी छाछ का छिड़काव किया जाता है, एंजाइम बनाते हैं हम जो किचन के पील से मिलता है, जो सब्जियों के छिलकों से बनता है, वो एंजाइम का भी यहाँ पे स्प्रे करते हैं। हाँ, बीमारियाँ तो आती हैं। पहले साल जैसे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना, कीटों का सामना करना पड़ा था, और दूसरे साल वो कम हो गया, और अब तो कम से कम होता जा रहा है, लेकिन आती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर बीमारियाँ चली भी जाती हैं ये सब दवाओं के छिड़काव से। तो उपाय भी है, यदि बीमारियाँ हैं तो उपाय, लेकिन बीमारियाँ अब बहुत कम हैं, मतलब आप समझ लिए कि 10% रह गई हैं जो हमको शुरू में देखनी पड़ती थी, तो उसकी अब 10% बीमारियां रह गई। राखी मित्तल की सब्जियों को लोग एडवांस में ही बुक कर लेते हैं, करें भी क्यों न, आखिर जहर मुक्त सब्जियां मिलती कहां हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।